हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम लोग केबीएस जो 2022-23 का वैकेंसी है और जो पीआरटी का सेक्शन है, जो केबीएस 2022-23 पीआरटी वाला वैकेंसी आया है, तो उसका पीआरटी का हम लोग सिलेबस यहां पे कवर करेंगे। और यूनिट थर्ड आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिट थ्री जो है वो चालू हो गया है, और मैं आज से अब आप लोगों को यूनिट सेकंड कराऊंगा। तो आप लोग यूनिट थर्ड और सेकंड आप लोग हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। थर्ड चल रहा है, सेकंड आज से मैं शुरू कर रहा हूं, और जो फर्स्ट बच गया है वो भी इस क्लास में कराया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पीआरटी का जो भी कुछ सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बस मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। हालांकि जो सर ने बताया होगा, जो सेकंड है, जो फर्स्ट है, ये यूनिट जो है ये सीटेट से काफ़ी कुछ मैच करता है, हालांकि लेवल ऊपर अपर हो जाता है। तो आप लोग बस थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, सब कुछ सही हो जाएगा, निकल जाएगा आप लोगों को, बस ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और आज से जब हम यूनिट सेकेंड की बात करते हैं कि यूनिट सेकेंड में क्या क्या है, तो यूनिट सेकेंड में आप लोगों ने देखा होगा जीए है, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर, और सेकंड पे है रीजनिंग, और थर्ड पे है कंप्यूटर लिटरेसी। तो ये तीनों सेक्शन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब आज से आप लोगों को करंट अफेयर वाली क्लास भी मिल गई होगी। करंट अफेयर आज से चल रहा है, उसको भी देखते रहिए। करंट अफेयर में क्या है, अगर आप लोग डेली जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत फायदा होता है। ठीक है, 5-10 मिनट निकाल के उस क्लास को भी देख लीजिए कि डेली का करंट अफेयर जो है वो कवर होता रहे। और मैं मंथली करंट अफेयर भी लेकर आता हूँ, और जो स्पेशल होता है करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र। तो करंट अफेयर की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोगों का सारा कुछ कवर हो जाएगा। रही बात कंप्यूटर और रीजनिंग की, तो कंप्यूटर और रीजनिंग यहाँ पे सब कुछ कराया जाएगा, टोटल कराया जाएगा। बस आप लोग मन से बने रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो आज से रीजनिंग चालू हो रहा है। तो रीजनिंग की बात करते हैं कि कौन कौन सा इसमें चैप्टर है। तो चैप्टर जो भी है, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे कि एनालॉग है, गणितीय संक्रियाएं जो रीजनिंग का पार्ट है वो है, ब्लड रिलेशन है, क्यूब क्यूबॉइड है। तो ये सारे जो चैप्टर हैं, ये डायरेक्शन है, ये सारे जो चैप्टर हैं ये यहाँ पे कराए जाएंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा ही बता दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर से मैच कर लीजिएगा कि कुछ भी छूट नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्शन, दिशा, दिशा, दिशा परीक्षण। ठीक, दिशा परीक्षण कैसे, इसमें क्या होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग आज इसमें करेंगे। दिशा परीक्षण वाले में जैसे क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये चार दिशाएं होती हैं हमारी। सबसे पहले क्या होती हैं, चार दिशाएं होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ये चार दिशाएं होती हैं। अगर दिशाओं की बात करें तो दिशाएं हमारी कितनी होती हैं, चार होती हैं, जबकि उपदिशाएं कितनी होती हैं, चार उपदिशाएं भी होती हैं। ठीक है, चार उपदिशाएं होती हैं। ये तो हो गया नॉर्थ साउथ, क्रम से लिखते हैं, ये तो हो गया दिशाएं। ये इस क्रम में क्यों लिखा गया है, न्यूज आप लोग देखते ही होंगे, न्यूज, न्यूज में क्या होता है, चारों तरफ की खबरें होती हैं। न्यूज का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो उसी क्रम को ये यहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, चारों तरफ क्या होती है, हमारी दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये चार दिशाएं होती हैं। ठीक, चार दिशाओं में कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि चार दिशाओं में अगर हम बात करें कि ईस्ट से,
ईस्ट से अगर 90 अंश, ध्यान दीजिएगा, 90 अंश अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, 90 अंश अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो ये क्या हमको मिलता है, नॉर्थ मिलता है। ठीक, ये बातें बस ध्यान दीजिएगा। और ईस्ट से अगर हम 90 अंश साउथ मुड़ते हैं तो हमें क्या मिल, ईस्ट से अगर 90 अंश अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, साउथ मिलता है। और 90 अंश क्या होता है, एंटी क्लॉक जाते हैं तो ईस्ट मिल नॉर्थ मिलता है। ये दो बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गई नॉर्थ और साउथ, मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ कैसे आता है। ठीक, और वहीं ईस्ट के डायरेक्शन में अगर 180 अंश की बात करता है कि 180 अंश अगर किसी भी दिशा से 180 अंश मुड़ने के लिए कहता है तो वो क्या हो जाता है, उसी दिशा का विपरीत हो जाता है। यानी ईस्ट से 180 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, इसके इधर हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन कह रहा है कि राम क्या है, ईस्ट में जा रहा है और वो 20 मीटर गया, फिर वहां से 180 अंश टर्न लेकर के 30 मीटर चला। 180 अंश जब टर्न लेगा तो वो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। जिस दिशा से जा रहा था फिर से उसी दिशा में क्या होगा, चलना शुरू कर देगा और 30 मीटर चलेगा। ठीक है, तो 180 अंश हमारा जब भी कहता है तो वो उस दिशा का विपरीत हो जाता है, जिधर जा रहा होता है आदमी उसके ठीक विपरीत हो जाता है। ये तो होता है 180 अंश का कॉन्सेप्ट। 90 अंश का कॉन्सेप्ट देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ईस्ट से या फिर कहीं से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमेशा अपने बाएं मुड़ेंगे। ठीक, हमेशा अपने बाएं मुड़ेंगे, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होता है, दाहिने मुड़ेंगे। अरे घड़ी की दिशा में क्या होता है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, यानी ऐसे ही तो सुइयां चलती हैं, ऐसे चलती हैं, ये क्लॉकवाइज है, यानी ये क्या हो रहा है, दाहिने मुड़ रहा है। ठीक है, दाहिने मुड़ रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज और दाहिने मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज, ये दो बातें ध्यान दीजिएगा, बाएं एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने क्लॉकवाइज, ये दो बातें हैं। यहाँ पे चार दिशाएं होती हैं, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये तो हो गया दिशाओं की बात। अगर हम उप दिशाओं की बात करते हैं कि उप दिशाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो उप दिशाओं में सबसे पहले क्रम की बात करते हैं तो ये ऊपर है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ। ठीक, ये नीचे है तो इसको भी लिख लेते हैं साउथ, साउथ। ठीक, ये ऊपर है और ये इधर है तो ये कहां हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और ये पश्चिम साइड में है तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और ये दक्षिण, ये भी पश्चिम साइड में है, नीचे है पश्चिम साइड में, तो ये भी साउथ वेस्ट हो जाएगा। और ये पूर्व साइड में है तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्रम इसका देखिएगा, कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ईस्ट लिख दें और फिर नॉर्थ लिखें, नहीं, पहले हम उत्तर मतलब नॉर्थ लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, पूरब लिखेंगे यानी ईस्ट लिखेंगे। ठीक, इसका क्रम यही होता है, ऊपर में है और राइट साइड में है तो नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट साइड में है तो नॉर्थ वेस्ट, नीचे में है साउथ के वेस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट, और साउथ के ईस्ट मतलब ईस्ट में है तो साउथ वेस्ट। ठीक, ये तो हो गई चार उप दिशाएं। वैसे कहने के लिए लोग क्या कहते हैं कि मैं वादियों में गया था और मैंने किसी का नाम पुकारा तो दसों दिशाओं से आवाज उसकी गूंज रही थी, दसों दिशाओं में उसकी आवाज गूंज रही थी। तो वहां दस दिशाएं हो जाती हैं क्योंकि वहां पे आकाश और पाताल मतलब ऊपर और नीचे भी ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब अगर हम इस पे कागज कलम पे डायरेक्शन बताने की बात करते हैं तो ये केवल आठ होती हैं, चार मुख्य दिशाएं और चार उप दिशाएं। मुख्य दिशाओं में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उप दिशाओं में कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये तो हो गई दिशा के बारे में सामान्य परिचय कि कौन कौन सी दिशा होती हैं, ये दिशाओं के बारे में परिचय हो गया। अगर हम आगे वाले स्टेप में बात करते हैं, अभी हम लोग इस पे सारा क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई दिशाओं के बारे में, अंश के बारे में, कैसे कितना चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब दो बातें और ध्यान दीजिए, दिशाओं के साथ साथ क्या करता है, दूरी भी कभी कभी पूछने लगता है। तो दूरी वाले क्वेश्चन को और दिशा वाले क्वेश्चन को दोनों एक साथ करके पूछता है तो वो भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। कैसे वो कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोग जानते होंगे, अगर ये रेक्टेंगल, ये आयत है, तो आयत में क्या होता है,
आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मैं आप लोगों को गणित नहीं बता रहा हूं, केवल आप ध्यान से बस सुनते रहिएगा। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, ये भुजाएं क्या है? बराबर है। ये आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। ये भी आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। इतनी बात है, सबको पता होगा। ठीक, और वहीं अगर हम वर्ग की बात करते हैं कि वर्ग का क्या सीन होता है, तो वर्ग में ये सीन होता है कि किसी एक भुजा का मान 50 सेंटीमीटर है तो निश्चित ही सभी भुजाओं का मान कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। यानी वर्ग में क्या होता है? सारी भुजाओं का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन यहां अगर 50 सेंटीमीटर है तो यहां भी निश्चित क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। और यहां अगर 30 सेंटीमीटर है तो यहां भी क्या होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में चारों साइड की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये तो हो गया वर्ग और आयत की बातें। अब अगर एक तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें ही कंफ्यूजन होता है। दिशा परीक्षण वाले सवालों में अगर त्रिभुज दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज बन रहा है, कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ऐसे दिशा, अभी देखेंगे हम लोग, दिशा परीक्षण वाले सवालों में कभी भी हम ज्यादा दूरी वाले जगह को नहीं लेते हैं। मतलब इसका कि सबसे कम दूरी वाले समय को काउंट करते हैं। अगर राम है, बिंदु ए से चल रहा है और बिंदु बी पर पहुंचा 4 मीटर चल करके, फिर बिंदु बी से बिंदु सी पर पहुंचा 3 मीटर चल करके, हालांकि दिख नहीं रहा होगा कि 3 मीटर 4 मीटर ये कितना है, लेकिन ध्यान दीजिए, केवल ओरली सुनिए। राम है, बिंदु ए से चलकर 4 मीटर बिंदु बी पर पहुंचा और फिर अपने दाहिने मुड़ करके 90 अंश अपने दाहिने मुड़ करके सॉरी 90 अंश अपने बाएं मुड़ करके वो 3 मीटर आगे जाता है। अब राम अपनी पहले जगह से, राम अपनी नए जगह की दूरी से कितना दूर है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम कभी भी ये ज्यादा एरिया वाला काउंट नहीं करते हैं। हम विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन मीन्स क्या होता है? जो सबसे कम दूरी वाला जगह होता है, मतलब रास्ता होता है, उसी को हम काउंट करते हैं। तो सबसे कम दूरी इसका कैसे लेंगे? सीधा वहां से वहां उसको मिला देंगे। सीधा ए से हम क्या करेंगे? सी को मिला देंगे। तो जो ये मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, निश्चित ही टेट सीटेट पास करके आ रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़े ही होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया लैंग्वेज के तौर पे। अगर हम इस लाइन के तौर पे जो ए बी सी दिया हुआ है, इसके तौर पे अगर हम बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये ए है और ये सी है, तो ये क्या है? कर्ण है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। बिना फॉर्मूले का भी आएगा, बस ध्यान से देखते चलिए। अगर बिना फॉर्मूले का आप लोगों को निकालने आ रहा है तो ठीक बात है, अभी मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे बिना फॉर्मूले का आएगा। लेकिन यह फॉर्मूला मालूम है पाइथागोरस प्रमेय का, कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी पहले आ सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, आधार का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब अगर बिना सूत्र का भी, पाइथागोरस प्रमेय का अगर आप लोगों को सूत्र नहीं मालूम है तो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन जो कहा जाता है ट्रिपलेट जो होता है उसको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सारी चीजें आप लोगों को मालूम है,
ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को मालूम है, बस ध्यान से देख लीजिए कि कैसे क्या होता है। अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है, तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ट्रिपलेट क्या है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब वहां से देखिए क्या दिया हुआ है, 3 4 5, ये क्या है, ट्रिपलेट है। यानी आधार, आधार अगर 3 है, लंब अगर 4 है, आधार लंब ये दोनों को आपस में बदल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाला होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक, कर्ण होता है, इतना बस ध्यान रखिए कि जो सबसे ज्यादा वाला होगा वो कर्ण है, बाकी वो दोनों आपस में पलट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3 4 5 में 5 क्या है, कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सारे बन जाएंगे 6 8 10। यानी रेशियो में भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधार क्या है, उसका रेशियो 3 है, आधार का रेशियो 3 है, लंब का रेशियो 4 है, तो कर्ण का कितना होगा। ठीक, तो 3 4 5। ठीक, तो अगर ये ट्रिपलेट आप लोगों को याद है तो क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस देखते ही आप लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रिपलेट, इसमें पूरा देख लीजिए 6 8 10, 5 12 13, 9 12 15। एक चीज आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, जो 3 4 5 है, 3 4 5 है, 3 4 5 है। अब यहां से देखिएगा, यहां से अगर 2 का गुणा करते हैं, 6 इसमें भी 2 का गुणा, 8 इसमें भी 2 का गुणा, 10 ऐसे ही किसी भी चीज का गुणा करेंगे, तीनों में बराबर करेंगे, तो वो आपस में क्या होता है, एक तरह से रेशियो समझ लीजिए। ठीक है, रेशियो इसका, अगर यहां पे 30 कर लेंगे, यहां पे 40 कर लेंगे, तो यहां पे कितना करेंगे, 50 करेंगे, तो भी मान क्या होगा हमारा, बराबर होगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा 12 16 20, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20। ठीक है, तो ये रेशियो होता है एक तरह से। ठीक, ये तो हो गया ट्रिपलेट के बारे में। ठीक, अब सारी बातें समझ में आ गए, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगर हम कुछ और बातों को ध्यान में रखें, तो कुछ और बातें ध्यान में दे लीजिए कि और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों ने दिशा केवल देख लिया, दिशा के साथ साथ डायरेक्शन देख लिया, डायरेक्शन मतलब कि अंश के भी कुछ ट्रिक देख लिए कि कैसे क्या होता है, लेकिन अंश वाले में कुछ और भी बातें आप लोग जान लीजिए कि और भी बातें क्या हो सकती हैं। क्वेश्चन ऐसे देता है कि ये मान लीजिए कि पूरब है, ये क्या है, पूरब है, ईस्ट, ईस्ट को कहता है, ईस्ट को वेस्ट कर दिया जाए, वेस्ट को फलान कर दिया जाए, नॉर्थ को साउथ कर दिया जाए, तो ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को भी देखेंगे हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में कॉपी को ही घुमा देते हैं, जैसे ऊपर नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और इधर ईस्ट और वेस्ट, जो कह रहा है वैसे करते जाते हैं और कॉपी को क्या करते हैं, घुमा देते हैं, तो वो भी ऐसे भी आता है। लेकिन हम लोग बिना कॉपी को घुमाए भी ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। अगर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, अजय अपने घर से दक्षिण की ओर एक निश्चित दूरी तक चलता है, अजय अपने घर से दक्षिण की ओर एक निश्चित दूरी तक चलता है जो कि एक्स है, वहां से वह बाएं मुड़ता है और बैंक पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है, उसके घर से बैंक की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है, एक्स का मान क्या होगा।
एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, कैसे निकालेंगे, जो लोग निकाल ले रहे हैं उस कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दें, और जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कूद करके आगे वाले स्टेप पे नहीं जाते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप को इसको करना शुरू करते हैं, जो कह रहा है उसी को करते हैं। अजय अपने घर से दक्षिण की ओर एक निश्चित दूरी तक चलता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये अजय का घर है, ठीक, ये अजय का घर है और यहां से ये दक्षिण की तरफ चल रहा है, हमें नहीं पता कितना चल रहा है, ठीक है, दक्षिण की तरफ चल रहा है और दूरी कितना दिया है कि एक्स किलोमीटर, एक्स क्या है, एक्स मीटर वो चलता है, ठीक, एक्स मीटर वो चलता है। वहां से वो बाएं मुड़ता है। अब हमने क्या बताया था कि बाएं का मतलब क्लॉकवाइज और दाहिने का मतलब, सॉरी, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में इधर मुड़ेंगे दाहिने क्लॉकवाइज, इधर मुड़ेंगे बाएं एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं कह रहा है, ठीक, बाएं कह रहा है तो इधर मुड़ जाएंगे, और क्या कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और बैंक पहुंचने के लिए, यहां पे उसको बैंक मिल गया और बैंक पहुंचने के लिए ये 30 मीटर चलता है, ठीक है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। ये इसका घर है, ये इस बैंक है, तो यहां से पहले यहां चला, फिर यहां से बाएं मुड़ा, 30 मीटर चला। उसके घर से और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी, वही विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या, न्यूनतम दूरी। अब ये दूरी पूछ कह रहा है कि ये दूरी कितना है, न्यूनतम दूरी 50 है, 50 है, तो x का मान, इसका मान पूछ रहा है। अब फिर वही देखिए, 888 बन गया। अभी हमने बताया था कि 30, 40, 50, तीन में क्या है, यही उतना, 3, 4, 5, ये 888 था। अब यहां पे एक एक जीरो अगर हम बढ़ा देते हैं तो 30, 40, 50 हो गया। 30 यहां पे दिया हुआ है, 50 यहां पे दिया हुआ है, 50 जो सबसे ज्यादा वाला होता है वो कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण बन गया। 90 अंश चलता है तो समकोण त्रिभुज बनता है, इतना ध्यान लीजिए। यानी मान लीजिए यहां पे कोई आदमी खड़ा है, 90 अंश मुड़ा तो इतना ही मुड़ा, यानी समकोण वो कोण बनता है, ठीक है, 90 अंश क्या होता है, समकोण बनता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर 40 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से भी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 बराबर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब इसको 900 को इधर कर दीजिए तो 2500 में से 900 गया तो ये कितना हो जाएगा, 1600, और 1600 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर बराबर 1600, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40। मैंने सबके बीच में एक एक लाइन को उड़ा दिया है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कुछ कैसे सीखें वो बस ध्यान देना रहता है। अब मैं इसी लाइन को एक एक स्टेप बढ़ाते जाता, 2500 को इधर लेके आता, एक लाइन बढ़ाता, फिर अगले लाइन में ये लिखता 1600, फिर क्या होता, अब x बराबर क्या करता, इधर अंडर रूट लिखता 1600, अब 1600 का वर्गमूल निकालता तो कितना होता, 40 होता। तो ये क्या होता है, कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकें, बस इतना ध्यान देना रहता, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे दूसरा क्वेश्चन लगेगा, क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है, एक लड़की पूर्व की ओर 100 मीटर चलती है, एक लड़की है पूर्व की ओर 100 मीटर चलती है, वो बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, वह दाहिने ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है,
फिर वह दाहिने ओर मूर्ति है 200 मीटर चलती है, वह बाईं ओर मूर्ति है 40 मीटर चलती है, वह बाईं ओर मूर्ति है 20 मीटर चलती है, अंत में वो बाईं ओर मूर्ति है और 110 मीटर चलती है। वह अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अब यही ट्रेंड चला हुआ है। ये मत देखिए कि इसमें कितना स्टेप है, बस ये ध्यान दीजिए कि एक एक स्टेप को कोई स्टेप छूटने ना पाए, जो कह रहा है वही केवल ध्यान देते चलिए, जो कह रहा है वही केवल उतारते चलिए, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप दिया है, एक लड़की पूर्व की ओर 100 मीटर चलती है, तो ये कोई लड़की है, यहां से ये स्टार बिंदु हो गया, यहां से पूर्व की ओर 100 मीटर चलती है, ठीक है, ये कितना हो गया 100 मीटर हो गया। अब वह बाएं मूर्ति है और 120 मीटर चलती है, ठीक, ये पूरा देखिएगा, मैं अपने ब्लैक बोर्ड के हिसाब से मैं पूरा बना दिया था, यहां बनाइए, ये स्टार बिंदु है, ठीक है, यहां से 100 मीटर पूरब चलती है, ध्यान से देखते रहिए, 100 मीटर पूरब चलती है, वो बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। अब देखिएगा यहां पहुंच गई है, दाहिने इधर हो जाएगा और बाएं ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बाएं मुड़ती है और इसको नीचे कर लेते हैं, 100 मीटर यहां चला उसने, फिर बाएं मुड़ करके 120 मीटर चला, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। 120 मीटर चलती है, वह फिर दाहिनी ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, अब यहां से दाहिनी ओर जब मुड़ेगी तो ये 50 मीटर कहीं यहां आ जाएगा, 50 मीटर चलती है, ठीक, अब फिर कितना दिया हुआ है, वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 200 मीटर चलती है, अब फिर जब दाहिनी ओर मुड़ी तो इसके पैरलर चलेगी, ठीक है, इसके पैरलर चलेगी, अब कितना चलेगी इस डायरेक्शन में भी सही बनाना रहता है हम लोगों को, कैसे कि यहां तक तो दूरी कितना हो गया इसके बराबर, ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा 120, जबकि चल कितना रही है, वो चल रही है 200 मीटर यानी 80 मीटर और चलेगी, ये 80, ठीक है, हालांकि ये पूरा दूरी कितना है 200 मीटर, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक, ये 200 मीटर चलती है, वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, अब यहां से वो फिर बाएं तरफ मुड़ती है तो बाएं तरफ इधर हो जाएगा, तो इधर कहीं चलेगी, 40 मीटर इधर चल रही है तो यहां पे वो पहुंच गए, 40 मीटर चलती है, वह बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ के 20 मीटर वो चली, अब यहां से नीचे हो जाएगा दाहिने और ऊपर जाएगा तो बाएं, यहां कहीं पहुंची और ये 20 मीटर चली, ठीक है, यहां कहीं पहुंची, 20 मीटर चलती है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ती है और 110 मीटर चलती है। अब यहां से देखिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां वो पहुंची है और 110 मीटर चल रही है, तो 110 मीटर कहां तक होगा, ये देखिए, ये 50 है तो इसके इसके समानांतर चलेगी तो ये मिल जाएगा 50, इसके इसके समानांतर है तो ये मिल जाएगा 40, देखिए यहां पे अभी मैंने पीछे बता दिया था कि आमने सामने के क्या होते हैं, बराबर दूरी होते हैं, तो यहां से 40 यहां से 50 कितना हो गया 50 40 90, अभी 20 मीटर और चलेगी तो 20 मीटर निश्चित ही यहां कहीं होगा, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 110 मीटर यहां से लेकर के यहां पे, अब बिंदु यहां पे वो पहुंच गई है, ठीक है, यहां पे वो पहुंच गई है, वह आरंभिक
बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी, ये था उसका आरंभिक बिंदु और ये है दिशा। तो अब ये दूरी पूछ रहा है कि ये दूरी कितना है और दिशा कितना है। तो दूरी और दिशा निकालने के लिए दिशा तो हमको मालूम हो गया, नीचे साइड में है और पूरब साइड में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट और सॉरी साउथ और वेस्ट नहीं साउथ और ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, साउथ और ईस्ट हो जाएगा। नीचे है और पूरब साइड में है, नीचे है पूरब साइड में, नीचे है पूरब साइड में है, तो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट ठीक, साउथ ईस्ट जिस भी ऑप्शन में अब साउथ ईस्ट दिखे ऑप्शन यहां से इलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि इतना ही से ही आंसर आ गया लेकिन हम लोग पूरा निकालेंगे, ठीक है। साउथ ईस्ट होगा इतना सबको मालूम चल गया, साउथ ईस्ट होगा। अब कितना होगा ये निकालते हैं, यहां से इसकी दूरी पता चल जाए, और यहां तक तो था 90, यहां था 20, तो यहां भी कितना होगा 20, और ये कितना होगा 80, ये पूरा 100 था तो 20 निकल गया, तो यहां पे कितना बचा 80 बचा। अब इसकी दूरी निकालते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, तो यहां देखिएगा यहां पहुंचा था तो ये तो 120 था, यहां पे 120 था और यहां पूरा कितना था 80 था, तो 20 यहां से निकल गया, ये कम ऊपर हुआ तो 20 यहां से निकल गया, तो ये हुआ 60, ये दूरी कितनी हुई 60, तो ये बराबर है, तो आमने सामने के वो भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो यहां भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहां 60 है और यहां 60 है, किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, 60 80 60 80, तो यहां कितना हो जाएगा यही निकालना है। अब फिर 3 4 5 वाले फॉर्मूले पे रख दीजिए, 3 4 5 वाला इतना ही मालूम है तो 60 80 निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, अब इसका दोगुना करते हैं, कितना हो जाएगा 6 8 10, 6 8 10, एक एक जीरो बढ़ा देते हैं, 60 80 100। अब यहां से ध्यान से देखिए 60 80, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 100 हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 100 साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 100 साउथ ईस्ट, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक एक स्टेप, केवल इतना ही समझना है, मैंने एक एक स्टेप अच्छे से समझाया है, किसी भी स्टेप को छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगला, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी के हिसाब से प्रश्न आ गया कि घड़ी में समय 3 बजे हैं, यदि घंटे की सुई पश्चिम की ओर इशारा करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है। ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग तो क्या करेंगे बहुत ही आसानी से कॉपी पलट करके घुमा करके लगा लेते हैं, तो वो भी तरीका गलत नहीं है। हम यहां पे व्हाइट बोर्ड नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड नहीं घुमा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको लगाएंगे। जो लोग घुमा करके नहीं लगाना चाह रहे हैं, वैसे ही चाह रहे हैं कि ओरली आ जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा ओरली भी आएगा, बस ध्यान से देखते चलिएगा। सभी क्वेश्चनों का शॉर्ट टिक होता है, शॉर्ट टिक भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। केबीएस पीआरटी के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में 3 बजे हैं, ये कोई घड़ी है लग रहा है, यहाँ क्या होता है 12 6 3 9, 3 बजे हैं तो घंटे की सुई छोटी इधर और मिनट की सुई बड़ी ऊपर। अब क्या कह रहा है ध्यान से
पढ़िए इसको। कह रहा है यदि घंटे की सुई पश्चिम की ओर इशारा करती है, ये जो है पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि घंटे की सुई पश्चिम है, ये क्या है, पश्चिम है, क्रम बदल गया। अब देखिए ईस्ट का वेस्ट हो गया, वेस्ट का ईस्ट हो गया और नॉर्थ का यहां पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा और साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। उस डायरेक्शन में क्या था, पहले वाले डायरेक्शन में क्या था कि ईस्ट से अगर हम 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ईस्ट से 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉर्थ मिलता है। अब यहां से देखिए ईस्ट है 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, नॉर्थ मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या है, नॉर्थ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब नीचे हो जाएगा तो पूछ रहा है मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है। जब यह घंटे की सुई वेस्ट हो गई तो मिनट की सुई क्या हो गया, साउथ हो गया, बदली हुई दिशा यही तो है, मिनट वाली सुई ऊपर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से और बेहतर प्रयास करूंगा। मेरा जो भी है मैं 100% आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक बार और एफर्ट लगाऊंगा कि और अच्छे से इसको कर पाऊं और अच्छे से समझा पाऊं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं और अच्छे से इसको समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अपराह्न मतलब दोपहर 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, रात्रि 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। अब समय ही बदल दिया, समय बदल दिया, अब देखिएगा क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कोई घड़ी है, घड़ी नहीं लग रही हो तो मान लीजिए कि यह घड़ी है। यहां क्या होता है, 12 बजता है, नीचे 6 बजता है, इधर 9 बजता है, इधर 3 बजता है, इधर 1 बजता है, इधर 2 बजता है, फिर 4 बजता है, फिर इधर 5 बजता है, फिर इधर 7 बजता है, फिर इधर 8 बजता है, इधर 10 बजता है, इधर 11 बजता है। घड़ी बन गई है, कैसी घड़ी है, ये तो हो गया घड़ी। अब कह रहा है कि घड़ी में 3:30 यानी ये घंटे की सुई अगर बीच में कर दें और ये नीचे कर दें तो हमारा क्या हो गया, 3:30 इसमें बच गया, बज रहा है 3:30 बज गया। अब कह रहा है कि मिनट की सुई ये पूर्व है, पहले तो हम एक्चुअल दिशा निकालते हैं कि एक्चुअल वाली दिशा कौन सी है, तो ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब कह रहा है कि मिनट वाली सुई, देखिए ये मिनट वाली सुई है, नीचे साउथ की ओर है, लेकिन कह रहा है मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, इसको कह रहा है कि ये ईस्ट है, इसको कह रहा है कि ये ईस्ट है, तो रात्रि 9 बजे का। अब ये जब ईस्ट है तो ईस्ट से 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज यहां क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, यहां नॉर्थ हो जाएगा और ये कि क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब कह रहा है कि 9 बजेगा तो 9 बजे घंटे की सुई, तो 9 तो यहां बजेगा, 9 यहां बजेगा, तो ये होता है घंटे की सुई छोटी वाली और ये होती है बड़ी सुई मिनट वाली, तो 9 यहां बजेगा। ठीक, 9 बजेगा तो ये हमारा कौन सा दिशा आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ये हमारा कौन सा दिशा आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। ठीक है, बच गया भैया। ठीक, तो ये हमारा साउथ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ। ठीक है, ऑप्शन ए।
अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन, एक ट्रक दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई ट्रक है दक्षिण की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह दाहिनी ओर 45 अंश मुड़ता है, 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर 180 अंश मुड़ता है और 10 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद वह दाहिनी ओर 90 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक भी आप लोगों को मालूम चलेगा, बस ध्यान से देखते चलिएगा। पहले हम लोग बेसिक लगाते हैं कि कैसे क्या है, डायरेक्शन पहले बताते हैं कि कैसे ये लगेगा, ठीक है। एक एक स्टेप को लगाते चलते हैं। पहला स्टेप क्या है कि एक ट्रक दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये दक्षिण, ये ट्रक है, ये ट्रक है दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह दाहिनी दाईं ओर मुड़ता है 45 अंश और 25 किलोमीटर। 90 अंश क्या होता है? 90 अंश पूरा मुड़ जाते हैं। ये अगर 90 अंश कहता तो दाहिनी ओर क्लॉकवाइज ये पूरा मुड़ जाते, यहां मुड़ जाते, लेकिन 45 अंश कह रहा है तो 45 अंश कहां मुड़ेगा? यहां मुड़ेगा, ठीक है। सामने, ये सामने और इसके 90 के बीच में क्या होता है? 45 होता है, ठीक। तो ये 45 अंश हो गया। अब कह रहा है 45 अंश चल रहा है तो 25 किलोमीटर चल रहा है, कितना? 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर यहां चला, यहां पहुंचा, फिर वह 180 अंश मुड़ता है। 180 हमने क्या बताया? विपरीत हो गया। 180 अंश मुड़ता है और 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। और बड़ी दूरी को ले अगर हम, तो ये 25 किलोमीटर है पूरा, तो 10 इधर चला, विपरीत मुड़ा और 10 किलोमीटर यानी यहां तक कहीं आया होगा, यहां तक कहीं आया होगा, 180 अंश विपरीत मुड़ करके यहां आया होगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद दाहिनी ओर मुड़ करके 90 डिग्री चलता है। अब इधर वो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में जा रहा है। यहां से 90 अंश दाहिनी ओर मुड़ेगा, 90 अंश दाहिनी ओर मुड़ेगा तो ये कहां हो जाएगा? ये इधर चला आएगा, साउथ और ईस्ट में चला आएगा, ठीक है, साउथ और ईस्ट में चला आएगा। तो यही पूछ रहा है कि ये किस दिशा में जा रहा है, तो साउथ और ईस्ट में जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? साउथ और ईस्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। अब इसका ट्रिक देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। जो इतना कुछ लगाना नहीं चाह रहा है, चाह रहा है कि कम समय में 4 सेकंड में आंसर आ जाए, तो 4 सेकंड में लगाने के लिए कैसे आंसर मिलेगा ये भी हम लोग सीख लेते हैं। अंत वाली लाइन देखिए कि अंत वाली लाइन कह क्या रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। वह अब किस दिशा में जा रहा है? हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, दूरी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? केवल दिशा पूछा है। तो केवल जब दिशा पूछा है तो हम लोग फालतू में 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उसको दौड़ाएं क्यों, ठीक है। तो वो दिशा क्या करिए? मार दीजिए गोली, ठीक है। दिशा को लेके ही नहीं चलना है, केवल क्या लेके चलना है? डायरेक्शन लेके चलना है, सॉरी, किलोमीटर को लेके ही नहीं चलना है, क्या लेके चलना है? दिशा को केवल लेके चलना है। हम क्या लिख लेते हैं यहां पे? यहां पे लिख लेते हैं दायां और यहां पे लिख लेते हैं बायां, ठीक। यहां पे लिख लेते हैं दायां और यहां पे लिख लेते हैं बायां। अब जो भी क्वेश्चन में कहा है, जितना दायां कहा है और जितना बायां कहा है, एक एक किनारे हम मतलब उसमें लिखते चलते हैं। अगर दायां कहा है तो दायां वाले में लिखेंगे, बायां कहा है तो बायां वाले में लिखेंगे, ठीक है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करता, वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 45, दाहिनी 45, ठीक, 25 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 180, बाईं ओर मुड़ता है 180 चलता है,
10 किलोमीटर। इसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ता है 90 चलता है, दाहिनी ओर मुड़ता है 90 चलता है। अब कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 4 13 135 हो जाएगा, और ये कितना है 180 है। तो हमेशा क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, तो 180 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हमें प्राप्त हो गया। और जो ज्यादा रहेगा वही लिख देंगे, ज्यादा बाएं है तो लेफ्ट लिख देंगे, ज्यादा बाएं है तो लेफ्ट लिख देंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे और ज्यादा वाला दिशा लिख देंगे, मतलब दाहिने आता तो राइट लिख देते और कम वाला आया है तो लेफ्ट लिख दिए। ठीक, अब पहली लाइन देखिए कि एक ट्रक दक्षिण दिशा में जा रहा था, यह ट्रक था कोई और दक्षिण दिशा में जा रहा था, दक्षिण दिशा में जा रहा था, तो यहां से अब जितना आया है 45 अंश लेफ्ट आया है तो 45 हम अंश लेफ्ट कर देते हैं, ये तो हो गया। अगर ये इधर जाता तो 90 अंश हो जाता, ये सामने नहीं जा रहा है, तो यहां से 45 अंश यहां यानी बीच में हो जाएगा, तो ये रेखा क्या हो जाएगी 45 अंश की हो जाएगी। अब यहां पहुंच गया, लेफ्ट पूछा है, तो इधर क्या होता है लेफ्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है राइट होता है। ठीक, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट कहा है तो इधर हो गया। अब यहां पे था नॉर्थ, ये था साउथ की तरफ आ रहा था, और ये साउथ है और ये क्या होता है ईस्ट होता है, तो इन दोनों के बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, दक्षिण दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर दो हमारा क्या हो गया राइट आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर दो। ये तो तुम आज की क्लास पूरी क्लास, और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत आप लोगों को दिख रहा हो, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्रतिदिन आप लोगों को ऐसी क्लासें प्रतिदिन मिलती रहेगी, बस आप लोग निश्चिंत रहिएगा। केबीएस पीआरटी का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया जाएगा, बल्कि उससे अधिक कराया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अकॉर्डिंग, देखते हुए उसको कि क्या पूछा है, कौन सा सिलेबस के अतिरिक्त पूछ लिया गया है, वो भी सब कुछ कराया जाएगा। बस आप लोग निश्चिंत रहिएगा, यहाँ से पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, जो करंट है वो भी चल रहा है, डेली करंट को लेते चलिए, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।